गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आई होप यू ऑल सो गुड। सो टुडे मोरल इज स्टे होम एंड स्टे सेफ, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। तो जैसा हम सब जानते हैं कि आज के दिन में ऐसा है कि कोरोना की वजह से पूरा देश परेशान है। तो कोरोना की वजह से पूरा देश परेशान है, इसलिए हम घर पे हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। तो हम घर पे रह के अपना स्टडी कम्प्लीट करेंगे। घर पे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखा करिए। बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करिए, धुलिए किसी भी डिटॉल या साबुन या किसी भी चीज से। हैंड वॉश करते रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलिए। वी सेफ रहिए। ओके, सो ये आपकी हिंदी फर्स्ट की बुक है, लेट अस स्टार्ट स्टडी। हिंदी फर्स्ट की बुक है रिमझिम। इस बुक में हम देखेंगे फर्स्ट से लेके 15 तक, यानी 1 से लेके 15 तक हमारे सारे पार्ट दिए गए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कविता, कहानी, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, अभ्यास अपना, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह, ट्रू फॉल्स, सही गलत, इन सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। ये हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण वसुधा, ये आपकी दूसरी बुक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड टू बुक लग रही है, दो बुक लग रही है, तो आपको कॉपीज भी दो बनानी पड़ेंगी। अब इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट से, यानी पार्ट एक से भाषा से लेके कहानी तक, हम इन सारी चीजों का सारी चीजों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं हम? लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है। भाषा क्या है? भाषा होती है हम बोलकर अपनी बात दूसरों को पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुन के समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित, ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक में बोलकर यानी ओरल, और लिखित में लिखकर यानी रिटन तरीके से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। पहला बोलकर है, हम दो तरीके से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, पहला बोलकर एंड दूसरा लिखकर। बोलकर, बोलकर में बोलकर अपने मन की बात कहना तथा सुनकर बातों को समझना क्या है? मौखिक भाषा यानी बोलना और सुनना क्या हुआ? और सुनना मौखिक रूप है भाषा का। दूसरा है लिखकर, लिखकर अपने मन की बात कहना तथा पढ़कर बातों को समझना लिखित भाषा यानी लिखना और पढ़ना। ये कौन सा रूप है? ये लिखित रूप है। देखिए यहाँ चित्र, देखिए चित्र के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ दो बच्चे आपस में बोलकर बातें कर रहे हैं, दूसरे चित्र में माँ बेटा आपस में बोलकर अपनी बात को समझा रहे हैं, तीसरे चित्र में अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात बच्चों को समझा रही है, बच्चे पढ़कर सुनकर उसे समझ रहे हैं, चौथे चित्र में पुलिस का सिपाही इशारों से लोगों को आने जाने का निर्देश दे रहा है। यानी बोलकर, कोई सुनकर, कोई पढ़कर, कोई लिखकर अपनी बातों को एक दूसरे के साथ व्यक्त कर रहा है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव विचारों को दूसरों के सामने आदान प्रदान कर सकते हैं। आदान प्रदान मतलब ले दे सकते हैं, मतलब हम अपनी बात को, अपने भाव को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात और भावनाओं को समझकर बात कर सकते हैं। दूसरा है वर्ण, ठीक है। दूसरा वर्ण और वर्णमाला यानी लेटर एंड अल्फाबेट। वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है वर्णों की माला। वर्णों को क्रमानुसार लिखने को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, यानी पहला और दूसरा। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11, और व्यंजन की संख्या होती है 33। स्वर की संख्या 11 और
व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब 11 संख्या कहाँ से आई और कौन कौन सा वर्ण लिया गया है इसमें, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, स्वर में हमने लिया है छोटा आ से लेके ओ तक, ये हमारा हो गया है स्वर, जिनकी संख्या हो गई 11। ठीक है, अब व्यंजन में हमने लिया है का से लेके हा तक, का से लेके हा तक हमारा हो गया 33, यानी 33 क्या हो गया, व्यंजन हो गया। तो आ से लेके ओ तक स्वर हो गया और का से लेके हा तक व्यंजन हो गया। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं शब्द और वाक्य। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शब्द और वाक्य। शब्द वाक्य में हम क्या पढ़ेंगे, पिछले पार्ट में हमने क्या जाना है कि ध्वनि से वर्ण बनते हैं, अब हम जानेंगे वर्णों के सही मेल से शब्द कैसे बनते हैं। वर्णों के सही मेल से शब्द ऐसे बनते हैं, जैसे हमें कमल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले वर्ण को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, वर्ण हो गए। वर्ण को हम मिलाएंगे तो का म ल क्या बन रहा है, कमल। तो ये क्या हो गया, शब्द हो गया। यानी यहाँ एक एक चीज अलग की हमारा, तो ये वर्ण हो गया, और जब हम सारी चीजों को मिला दिए तो ये शब्द बन गया। ठीक है, अब हमें बनाना है वाक्य। वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने वर्ण जोड़ा तो हम शब्द बनाए, अब हम शब्द को जोड़ेंगे तो हम वाक्य बनाएंगे। अब शब्द में हम कमल के आगे कौन सी ऐसी लाइन जोड़ेंगे जिससे हमारा वाक्य कम्प्लीट हो जाए। अब देखिए, कमल है, कमल कहाँ खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है, कहाँ खिलता है, कीचड़ में, कीचड़ में खिलता है। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, वाक्य कंप्लीट। यानी यहाँ वर्ण हमने अलग अलग कर दिया, फिर हमने इसको मिलाया, कमल बन गया। वैसे हम सारी चीजों को अलग करके मिला देंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा। ये हो गया शब्द और वाक्य। फिर है मात्रा। ठीक है, हम अब समझेंगे मात्रा। मात्रा क्या है, स्वर के लिए जो निर्धारित चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मात्रा। अब आगे आपने पढ़ा कि पीछे आपने पढ़ा, अब आगे हम इसके आगे की लाइन पढ़ेंगे। यानी स्वर के लिए जो निर्धारित की जाती है चिन्हों को क्या कहते हैं, मात्रा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मात्रा। देखिए बुक में, देखिए स्वरों की मात्राओं का उपयोग। स्वर का मूल रूप है छोटा आ से लेके आह तक। ठीक है, फिर स्वर मात्रा है, आ की मात्रा नहीं होती है, आ स्वर की मात्रा नहीं होती है। व्यंजन और वर्ण का योग, ये का से लेके कहा तक ये है। मात्रा लगाने का स्थान, कहाँ कौन सी मात्रा लगती है वर्ण के साथ दिया गया है, और कौन से शब्द मात्रा के साथ बन रहे हैं वो शब्द दिए गए हैं। आ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, आ स्वर की मात्रा नहीं होती है। शब्द वाक्य हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, संज्ञा पढ़ेंगे। हम इसे इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, नाउन। ठीक है, हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन। यानी दुनिया में प्रत्येक वस्तु की कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ठीक है, उनके नाम से ही हम उन वस्तु, भाव या व्यक्ति के पहचान करते हैं। अगर नाम नहीं होता तो हम कैसे जानते कि ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, ये स्थान है, ये व्यक्ति के अंदर का भाव है। इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें संज्ञा की जरूरत होती है, यानी हम नाम की जरूरत होती है। फिर आते हैं लिंग पे। लिंग यानी हम इंग्लिश में लिंग को क्या कहते हैं, जेंडर। क्या कहते हैं, जेंडर।
पिछले पाठ में आपने सीखा कि संसार में सभी के कुछ न कुछ नाम होते हैं। जिन शब्दों से पुरुष और स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, ठीक है। पहला है पुल्लिंग, पुल्लिंग में पुरुष जाति की पहचान करते हैं, और दूसरा स्त्रीलिंग यानी इसमें स्त्री जाति की पहचान करते हैं। जहाँ पुल्लिंग की पहचान होती है जैसे दादा दादी पापा, तो ये सारे शब्द क्या हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। दादी मम्मी मामी मौसी ये सारी चीजें क्या है स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर आते हैं हम वचन पे। हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, सो वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है जिन शब्दों से अनेक या एक या अनेक अर्थात एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी संख्या, एक संख्या और एक से अधिक संख्या को बढ़ जाने पे क्या कहते हैं? इसको वचन कहते हैं। ये उदाहरण देखिए, ये क्या है? ये पतंग। ठीक है, यहाँ एक पतंग है तो हम यहाँ एक वचन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बॉल है, गेंद है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बहुवचन। क्या लिखेंगे? बहुवचन। यानी यहाँ एक संख्या है तो हम एक वचन लिखेंगे, और यहाँ एक से ज्यादा संख्या हो गई तो हम यहाँ बहुवचन लिखेंगे। तो इसे कहते हैं एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं, एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। फिर आते हैं सर्वनाम पर। ठीक है, हम पढ़ेंगे सर्वनाम। देखिए, आपने संज्ञा पाठ में पढ़ा कि संसार में सभी के कुछ ना कुछ नाम अवश्य होते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो नाम की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। अब नाम, हाँ, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां हम नाम नहीं लेते हैं, तो नाम की जगह हम किन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे अपने लिए, तो हम अपने लिए अपना नाम तो लेंगे नहीं, तो हम अपने लिए मैं, मेरा या मुझे इन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। दूसरों के लिए बात कर रहे हैं तो हम उसका अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए क्या आप करेंगे? दूसरों के लिए हम करेंगे वह, उस, ऐसे सारे शब्द ऐसे होगा। छोटों के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम अपने से छोटों से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? तुम, तुम्हें, ऐसे सारे वर्ड करते हैं, शब्द करते हैं। ठीक है, और बड़ों के लिए करते हैं बात तो बड़ों का हम नाम वैसे भी नहीं लेते तो हम इसके लिए आप करके बात करते हैं। ठीक है, आपका करके बात करते हैं। और निश्चित नाम है, अगर हमें पता है कि इसका यही नाम है और हम बार बार उसका नाम नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए हमें इसका या ये ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। अनिश्चित नाम, जहां हमें पता ही नहीं है कि उस चीज का, उस वस्तु, उस स्थान का नाम क्या है, तो हम उस जगह पे लिखते हैं किसी, कुछ, इन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। एंड प्रश्न करने के लिए, अगर हम पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जरूरी नहीं हम उसका नाम लें, तो उसके लिए किन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं? क्या, कौन, कैसे। ठीक है, यानी अगर हमें नाम नहीं पता है और नाम की जगह हम प्रयोग कर रहे हैं तो जिस तरीके से लोगों से हम बात करेंगे वैसे हम शब्द उनके चेंज होते जाएंगे। यानी हर जगह हम नाम नहीं ले सकते तो नामों की जगह जो प्रयोग होने वाला शब्द होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? इसको एडजेक्टिव। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं एग्जेक्टिव। विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता बताना, चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, उसकी हम विशेषता बताते हैं। विशेषता का जो शब्द होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है,
जैसे लड़की गोरी है, तो लड़की है इसको हम अलग कर देंगे, है हम अलग कर देंगे। इसकी पहचान क्या, लड़की कोई पहचान तो है नहीं, ना है कोई पहचान है, तो इसकी पहचान क्या है कि गोरी है, यानी इसकी हम विशेषता बता रहे हैं गोरी है। तो ये कौन सा शब्द हो गया, यानी विशेषण शब्द हो गया, यानी किसी शब्द की विशेषता बताना, उसे विशेषण कहते हैं। फिर अब इसमें हम कोई भी शब्द, जैसे इस तरीके का कोई भी शब्द अगर हम देखते हैं, गोरी काली अच्छी बुरी, ठीक है, अमीर गरीब, इन सारी चीजों का, ये सारी चीज जब हमें दिख जाए, ये सारा वर्ल्ड हमें, शब्द हमें दिख जाएगा, तो हम जान जाएंगे वो शब्द क्या है, विशेषण है। जिनके बारे में बात की जा रही है उनकी वो विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। फिर आते हैं हम क्रिया पे, ठीक है, क्रिया आते हैं, या हम इंग्लिश में इसको वर्ब पढ़ते हैं। अब क्रिया क्या होती है, किसी काम को करना या होना, ये सारी चीज क्या है, क्रिया है। यानी खाना पीना लिखना बैठना सोना, सारा क्या है, क्रिया है। यानी बिना हम कुछ हाथ पैर डुलाए ना तो खाना खा सकते हैं, ना पानी पी सकते, ना कुछ लिख सकते, ना बैठ सकते, ना सो सकते, ये सारी चीज क्या है, हमारी क्रिया है। यानी जो हमारे द्वारा की गई है या हुआ है उसे क्रिया कहते हैं, किसी काम को करना या होना क्रिया कहलाता है। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, तो आप रिवीजन, इन सारी चीजों का रिवीजन कर लीजिए, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ओके, थैंक यू।